रोज लगातार 10 लोग तो यहाँ पूछने आते कि आपके पास परमिशन है कि नहीं और कहाँ की परमिशन है, जल बगीचा है तो कौन से कोंटे की है, कितने स्क्वायर भाई, कितने सीलिंग की है, कितने कहाँ की है। शुरू दिन हम ATM ऑफिस गए तो ATM ऑफिस में स्पष्ट कह दिया कि हड़ताल के लिए किसी प्रकार की कोई भी अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन हमने जैसे भी हिम्मत नहीं हारी और सब लोगों को सहयोग लेके ATM साहब से रिकमेंड करवाए और करीब करीब 10 विभागों में घूमने के बाद परमिशन प्राप्त हुई है। इतने घूमने के बाद परमिशन प्राप्त होती है, 3 दिन बैठने के बाद आप हमें बोल दें कि आपकी मांग पूरी हो गई है, आप उड़ जाओ, और 2 महीने बाद फिर बोले कि कुछ नहीं हुआ, तो हमें भी बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि जो घूमता है उसे समझ में आता है। तो आप लोग कमर कस के रहें, 10,000-8,000 में हमारा पूरा नहीं हो रहा है, ये बात सही है, तो हम 8-10 हज़ार के लिए इतनी मगरबाजी ना करके हम अपने इस्तीफा तक सौंप देंगे सामूहिक रूप से। और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले जिले में सभी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी हमें पूर्ण सहयोग देता है, वो जिसकी उसकी जैसी कैपेसिटी हो, जैसी स्थिति हो, उस हिसाब से हमें सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ पदाधिकारियों की कमी हुई जो हमें सहयोग के लिए आवश्यकता थी, क्योंकि दौड़ धूप के लिए एक आदमी एक जगह नहीं जा पाता, इसलिए हमने निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय से बैठकर, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिसमें एक जिला प्रवक्ता और एक कोषाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति सह सचिव जिला सह सचिव।